परीक्षित जी कहते हैं, महाराज हमारा मन भी कितना सरल तो नहीं है कि भगवान के भजन में लग जाए, तो उपाय बताए सुखदेव जी ने। जिता सनो जित स्वासो जित संघो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप रूपे मनः संधारये धिया। चार उपाय बताए हैं भागवत, भागवत के स्कंद नंबर 2 के पहले अध्याय के 23वें नंबर श्लोक में कहा, हे राजन चार उपाय हैं जो भगवान के भजन में मन लगेगा। क्या? जितासनो, पहला उपाय, जहां बैठो उस आसन को जीत लो। आसन पर बैठो तो उठो ना, कई लोग ऐसे होते हैं थोड़ी देर में ऐसा बैठे, फिर थोड़ी देर में ऐसा बैठे, फिर थोड़ी देर में कमर पे हाथ रखे, थोड़ी देर घुटना ऐसे, अरे राम राम राम। लेकिन पहला उपाय क्या? जितासनो, एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी कर करके बैठना चाहिए। ये रीढ़ की जो ये लठिया है, अब हमारा तो बुढ़ापा है तो चलता है इसीलिए तकिया लगाए, लेकिन साधक को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बढ़िया सावधान पूर्वक बैठना चाहिए। एक आसन पर बैठ गए और जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक उठना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला आसन को जीत लेता है। जितासनो जित श्वासो, दूसरा उपाय क्या? जो श्वास है ना, इस श्वास को जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहिए। जो जल्दी जल्दी श्वास लेता है वो जल्दी 13वीं खबवा देता है। बोलो सीताराम। हाँ, हम नहीं कह रहे, विज्ञान कह रहा है। जितने भी जीव प्राणी जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, कुत्ता, कुत्ता को देखा तुमने, कुत्ता एकदम बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है, 13-14 साल में निपट गया। जो बड़ी देर में श्वास लेता है वो ज्यादा दिनों तक जीता। इसलिए श्वास को रोक करके, थोड़ा रोकी फिर छोड़ी, धीरे धीरे अभ्यास होगा, इकट्ठा नहीं कि तुम पतो चले कि एक बार क्या हुआ। हमारा चेला चंगीला, हमारा चेला चंगीला, चंगीलाल के बाप को नाम फोकटलाल। फोकटलाल देख रहे थे टीवी, चंगीलाल गया स्कूल, मुंडन हो गए, मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो गए, बोले बाप चलो गाओ। मास्टर बोले कैसे, बोले टीवी के कारण, योगा के कारण। मास्टर बोले योग करने से तो लोग बचते हैं, बोले हमारे पिताजी तो चले गए। बोले क्यों, बोले टीवी पर आया कि श्वास को अंदर लीजिए, हमारे पिताजी ने अंदर ले ली तब तक लाइट चली गई। जो श्वास को अंदर लेने को कह गए, ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, और तब तक लाइट चली गई। और पुराने जमाने की लाइट तो एक घंटा बाद आई, जोले जे ही चले गए। बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो जितासनो जित श्वासो, दूसरा उपाय, श्वास को जीतो धीरे धीरे। अच्छा, श्वास को जीतने का मतलब क्या है? श्वास को जीतने का मतलब जिसकी श्वास देर से चलती है उसका मन बहुत कम विचलित रहता है। सांस जल्दी जल्दी चलना, घबराहट होना, मन बहुत विचलित रहना है। महाराज मन को सावधान कैसे करें? श्वास को जब लेवें तो भगवान का कीर्तन करें, श्वास को जब छोड़ें तो भगवान का कीर्तन करें। ऐसा करने से श्वास पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। सुखदेव जी कहते राजन दूसरा उपाय श्वास को जीतो, तीसरा उपाय जित संगो, संगत को जीतो। अच्छा, संगत भी याद आया, बात बहुत अच्छी है। प्रत्येक माता पिता को यह ध्यान देना ही पड़ेगा कि हमारी बालिका और हमारा बालक संगत किसकी कर रहा है। होटल वाले की संगत करेगा तो बोतल खोलेगा, लेकिन किसी भक्त की संगत करेगा तो कीर्तन करेगा। अब तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारी बालिका, आजकल ये पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य कल्चर के नाम पर, महाराज जी कहीं नहीं हमारी बेटी तो पार्टी में गई थी, ये रातों भर पार्टियों के नाम पर
धांधलबाजी परोसी जाती है, संस्कारों को बिगाड़ा जाता है, ये पार्टियों के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को परोसा जाता है। हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को और अपने बेटों को रात को मत कहीं जाने दो, शाम के समय भगवान की कथा रामचरितमानस को पढ़ने दो घर पर, और जाएं भी तो आपके साथ जाएं। तो जित संगो, चौथा उपाय जितेंद्रिया, चौथा उपाय है अपनी इंद्रियों को जीतो। जो इन चारों उपायों को कर लेता है भैया, वह जीते जी ही आहाहा, उसका मन बड़ा शांत हो जाता है। और जहां मन शांत हुआ, सोई जो है ठाकुर जी की कृपा उस भक्त के ऊपर हो जाती है, मन भजन में लगने लगता है। और जहां मन भजन में लगा, सोई खुमारी चढ़ने लगती है, और वह साधक जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम।